अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव क्लब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्माइली पोटैटो की रेसिपी। तो चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 2-3 बड़े आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे। यहाँ मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/2 कप मैं ब्रेड क्रम्स लूँगी, इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया। यहाँ मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, वो भी 1.5। देन मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ सी डो बना लेंगे। ये देखें, यहाँ मैंने इसकी बहुत स्मूथ सी डो बना ली है, इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब इनको शेप करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था। अब इसकी मैं एक रोटी बना लूँगी, थोड़ी थिक सी। ये देखें, अब मैं इसको शेप करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक कंटेनर के ऊपर से ढक्कन लेकर उससे इसको राउंड शेप में, एक परफेक्ट राउंड शेप दे दी थी और इन सबको कट कर लिया था। ये देखिए, यहाँ ही सारे कट हो गए थे। तो अब हम एक्स्ट्रा ऊपर से उठा लेंगे बैटर अपना। और यहाँ मुझे एक स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हेल्प से मैं आइस बनाऊंगी। ये देखें, ये कितनी आराम से बन जाती हैं। और एक स्पून की हेल्प से हम लोग इसको स्माइली करेंगे। ये देखें, आप स्माइली भी बना सकते हैं, आप कोई भी मुझे बना सकते हैं। आपको सैड बनाना है, ये देखें, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्माइल चाहिए थी तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉ की हेल्प से इनकी स्माइल बढ़ा दूँगी थोड़ी सी। ये देखिए आप, यहाँ मैंने सारे बना लिए थे। पैन में ऑयल गरम कर लिया था, देन मैं फ्राई करती हूँ। यहाँ मैं सारे ऐड कर दूँगी। इधर मैंने अपने सारे इमोजी फ्राइज ऐड कर दिए थे पैन में और फ्राई हो गए हैं ये बहुत अच्छे से। देन मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाते हैं। देखिए इनका कितना प्यारा कलर आया, ये बहुत लाइट से बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। चलिए, यहाँ मैंने डिश आउट कर लिए थे, ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। वाकई ही ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।